जीत और हार, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार हो गई, अरे मान लो तो हार हो गई, और ठान लो तो जीत हो गई, ठान लो तो जीत हो गई। नमस्कार दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल में आपका स्वागत है। आज लेते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, यानी मिला जुला क्वेश्चन का सरलीकरण करते हैं। देखिए, आपके कंपटीशन में पूछे गए सवाल का पहला क्वेश्चन, 80 रुपए का 5% का 5% कितना होगा? सीधा सीधा आप जानते हैं, 80 रुपया है, 80 रुपए का 5%, 80/100, 5/100 हो जाएगा, 80 का 5/100, यानी 5 से ये 0, ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी और 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 4 रुपया हो गया। 80 का 5% 4 रुपया हो गया। अब 4 रुपये का फिर 5%, यानी 5/100 पूछ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, और 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो गया, बराबर 1/5 आ गया। इतना रुपया, 1/5 को 0.2 पैसा या रुपया लिखते हैं, तो ये 0.20 रुपया यानी 20 पैसा हुआ। तो 80 रुपए का 5% का 5% क्या होगा? आपका 20 पैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रूट में 279 89, क्वेश्चन नंबर टू, यदि रूट में 289 डिवाइडेड रूट में x इक्वल 1/5 हो तो x की वैल्यू क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन देखने में बहुत ट्रिपिकल जैसा लगेगा, लेकिन जो रिहर्सल किया हुआ होगा, प्रैक्टिस किया हुआ होगा ना, एक दो बार देखा होगा कहीं ना, तो वो कर लेगा। कितना? ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड में। देखिए कैसे होता है, अब आपका रूट में 289 √5 = 1/5 ये दिया हुआ है, सॉरी यहाँ x है, x तो आपका यक्ष की वैल्यू पूछा है, यक्ष की वैल्यू क्या होगा? सीधा सीधा ये किसका है? 17 का, 17 × 17 लिख सकते हैं इसको, आप लिख लीजिए एक्सप्लेन करके ऐसे समझने के लिए, ये रूट में 5 = 1/5 हुआ। आगे ये क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकलने के लिए 17 हो जाएगा, और ये रूट में यक्ष ही होगा, ये सॉरी यक्ष ही होगा, और इक्वल 1/5 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट में यक्स इक्वल क्या होगा, 17/5 = 85 होगा। अब रूट में यक्स इक्वल 85 आ गया, तो यक्स इक्वल क्या आएगा, इधर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हट जाएगा, यक्स आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, यानी 85 का स्क्वायर, यही आंसर हुआ। अब इसका स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर अब जिस अंक के मतलब 2 डिजिट का अंक हो उसके लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर 5/5 = 25 लिख लिया, और ये 8 है तो इसके आगे वाला 9 है, तो 8 × 9 = 72, ये आंसर हुआ, ऐसे लिख देंगे, ये वर्ग भी बन गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो कैसे करेंगे? देखिए तो वेरी सिंपल है, यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, यहाँ इंटू का चिन्ह है, इक्वल 22 दिया है, तो यहां पे देखिए इसको सॉल्व करते समय 17 दशमलव, क्वेश्चन नंबर 3, 17.28/x/36 यानी 3.6 × 0.2 = 200 दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले अगर हम सॉल्व करते हैं तो 17.28/x लिख लेंगे, और यहाँ पे इंटू ये नीचे अपान वाला है, तो इसको इंटू 3.6 × 0.2 = 200 ऐसे कर लेंगे। समझने के लिए आप अगर ज्यादा इसको सिंप्लीफाई ज्यादा टाइम में करना चाहते हैं तो इसको इधर मल्टीप्लाई करिए फिर इधर लाइए, शॉर्ट में करना चाहते हैं तो उसको देखिए, शॉर्ट में ये यक्ष यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, आ जाएगा ये 17.28/ ये 200 आपका यहाँ आ गया, इंटू 3.6 × 0.2 = x वहां ले लिया,
सरल समझने में हो गया। अब यक्स इक्वल क्या होगा, यक्स इक्वल क्या होगा, ये देखो ये 200 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये हट जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे ये हो जाएगा। अब यानी ये 2 2 4 चार हुआ और ये 36 हुआ ना, इस तरह से। अब इसको 2 दूना 4, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 चौके 16, 1 उतरा 4 3 12 और 4 दूना 8, इतना हो गया, समझ में आ। यानी ए ऐसे कट गया। अब आपका बचा क्या, 4 3 2 बटा 36। अब इसको भी काट सकते हैं, 36 का डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 12 आंसर, और इसको छोटा कट करके भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ, यक्स इक्वल 12 हुआ। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।